तो सिविल सर्विसेज एग्जाम की बेसिकली दो स्टेजेस रहती हैं, एक स्टेज रहती है आपकी स्क्रीनिंग और दूसरी स्टेज आपकी रहती है जो मेंस या फिर मेरिट मेकिंग बोल सकते हैं। नाउ दिस इज नॉट हाउ यूपीएससी डिवाइड्स इट, दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक, यहां पर हम लोग एक प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर स्टेज की इंपॉर्टेंस भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि अनलेस एंड अंटिल वी नो अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस इट्स वेरी डिफिकल्ट। खैर, तो स्क्रीनिंग के अंदर क्या रहता है, इस एग्जाम का हर स्टेज पर एग्जाम का इंटेंट भी समझते जाएंगे। स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग इज लाइक अ फिल्टर, एक फिल्टर लगाओ। फिल्टर बेसिकली बस ये देखता है, आर यू फिट इनफ टू राइट द एग्जाम दैट इज कमिंग फॉरवर्ड और नॉट, आर यू फिट इनफ टू अपियर इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तो केवल इतना देख रहा है, उससे कोई मेरिट का लेना देना नहीं है, केवल ये देख रहा है कि क्या आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच के लिखने लायक हो, क्या मतलब इज इट इंपॉर्टेंट और इज इट इवन सिग्निफिकेंट, क्या ये जरूरी है कि एग्जामिनर्स आपके ऊपर अपना टाइम जाया करें। क्योंकि वो जब टेस्ट कर रहे हैं, मान लो कोई प्रीलिम्स के अंदर किसी को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो क्या आंसर लिखेगा मेंस के अंदर, रिटन एग्जाम में क्या आंसर लिखेगा, नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा, नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे पर्सन को वहां बुला के उस पर्सन का भी टाइम वेस्ट है, एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट है। तो यहां पर एक फिल्टर लगा हुआ है, वो फिल्टर क्या है, केवल ये टेस्ट कर रहा है दैट आर यू फिट इनफ टू राइट द एग्जाम इन द नेक्स्ट स्टेज, दैट फिल्टर इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, अब प्रिलिम्स भी बोल सकते हो, पीटी भी बोल सकते हो, जो बोलना बोल सकते हो, इसका टेक्निकल नेम प्रिलिमिनरी है। ठीक, इसके बाद आते हो आप दूसरी स्टेज में। अभी इसके एग्जाम प्रोसेस भी समझ लेंगे कि हर स्टेज पे क्या रहता है। ठीक है, दूसरी स्टेज पे क्या रहता है, दूसरी स्टेज पर मेरिट मेकिंग रहती है। मेरिट मेकिंग मतलब ये दिस इज अ सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज विच इज कॉल्ड एज मेंस। मेंस के दो पार्ट रहते हैं, एक आपका रिटन टेस्ट और एक आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। अब जब आप प्रीलिम्स से निकल गए हो, तो प्रीलिम्स में उन्होंने क्या चेक किया कि क्या आप मेंस के अंदर जो रिटन टेस्ट रहेगा उसके अंदर लिखने के लिए डू यू क्वालिफाई और डू यू नॉट। प्रीलिम्स के मार्क्स डजंट मैटर, यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। सो दे हैव टू कीप अ बेसिक क्राइटेरिया वेयर दे आर टेस्टिंग द बेसिक नॉलेज। रिटन टेस्ट के अंदर क्या देखते हैं, अब शुभम लेट से आस्क एनी क्वेश्चन, एनी नॉर्मल क्वेश्चन, डे टू डे लाइफ क्वेश्चन, ठीक है, वेयर टू अकोमोडेट इन दिल्ली इफ यू आर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। ठीक है, सो टू स्टे एट अ नाइस प्लेस इज गुड ऑलवेज। डिड यू गेट योर आंसर? नो। रिटन एग्जामिनेशन इज अ सिमिलर थिंग, दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन, दे वॉन्ट टू सी इफ यू कैन आंसर टू द क्वेश्चन विच इज गिवन और नॉट। अगर आप उसके आंसर नहीं दे रहे हो, डू यू थिंक आप अगर उनकी एग्जामिनर की जगह होते तो आप अपने आप से बात करना चाहते? रिटन एग्जामिनेशन में बेसिकली यही चीज एग्जैक्टली टेस्ट होती है कि आप अपनी बात को कन्वे कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली वी कैन क्लब इट इन वन वर्ड विच इज कम्युनिकेट, एंड कम्युनिकेट टू वॉट, कम्युनिकेट ऑन द क्वेश्चन। अब व्हाई डिड आई यूज द वर्ड कम्युनिकेट, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब आप वो अपना पेपर लिखकर आते हो, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, वहां पर आप एक तरीके से लेटर देकर आ रहे हो एग्जामिनर को, और वो लेटर क्या है, सिंगल टाइम रिटन है, उसके लिए आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है। उसमें इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट कि आप क्या ओपिनियन रखते हो उस क्वेश्चन के ऊपर, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू मार्क यू अगेन। हम लोग को सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देनी है, सबसे ज्यादा वेटेज देना है, वो किस पर देना है, एक्सप्रेशन पर। कैसे बात समझ में आएगी, केवल और केवल यह कि आपकी बात उस क्वेश्चन पर जो आपका ओपिनियन है, जो पूछा गया है, उस चीज का जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो ढंग से। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन ऑन व्हाट, द क्वेश्चन विच इज बीन आस्क्ड। बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग हैज टू ट्रांसफर फ्रॉम द एग्जामिनी टू द एग्जामिनर, एंड द मीडियम फॉर दैट इज योर टेस्ट पेपर्स। एंड जैसा कि यहां पर पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर होता है, इट इज एक्चुअली अ पर्सनैलिटी टेस्ट। वहां कंटेंट के ऊपर की अगर बात करें, तो कंटेंट इतना रेलेवेंट नहीं होता है। योर कंटेंट, योर नॉलेज इज बीन टेस्टेड इन द रिटन एग्जाम। स्क्रीनिंग से आपको कब फंडामेंटल क्वालिफिकेशन टू राइट द एग्जाम, एंड रिटन में आपका फर्दर
कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बात करने करने के लिए बुलाने के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं हो, वो भी टेस्ट हो जाता है। तो इसके बाद अब आपका पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है, तो पर्सनालिटी के टेस्ट में आपकी और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कॉन्फिडेंस, जैसे एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन वुड ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज यू टेक इन योर स्पीच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टैंड। नाउ आफ्टर दिस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, लेट्स अंडरस्टैंड वन वेरी बेसिक थिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, व्हिच इज जनरली डन इन अ रिवर्स ऑर्डर।